फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव है और आप देख रहे हो वेबटेक चैनल। और आज के वीडियो में बनाऊंगा एग आटा नूडल जो कि मैगी की है। सो पहले हम फ्राई पैन को थोड़ा सा हीट कर लेंगे और थोड़ा सा आप रिफाइंड ऑयल या सरसों मस्टर्ड ऑयल या घी कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो मैं हल्के तौर पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगा। देखिए हमने एक एग ले लिया है और इसको थोड़ा मसाले डाल के हम इसको मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। एग वाले बनाने के दो तरीके होते हैं, आप चाहे पहले से फ्राई करके रख लें भुजिया की तरह, और दूसरा तरीका होता है कि आप बाद में डाल सकते हैं। भुजिया की तरह बनाना है तो हम इसे फोल्ड करके छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। जिससे यह बाद में आपकी मैगी में आराम से मिक्स हो जाए। जितने बड़े गट्टे होंगे उतने ही आपकी मैगी में मिक्स होने में प्रॉब्लम करेंगे और अलग से पता चलेंगे। एग हो गया, उसको एक प्लेट में अलग निकाल के रख लेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे। और देखिए जैसे मैंने इसके लिए कट करके पहले से रखा है ओनियन, ग्रीन चिली, टमाटो और कैप्सिकम। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपको सही लगे। अब इसमें आप वाटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर आइडिया। आप जितनी मैगी बना रहे हिसाब से आप वाटर ऐड करेंगे। सिंगल के लिए आप 1½ कप, और इसमें हम मैगी मसाला में ऐड करेंगे। मिक्स कर दी वाटर को। देखिए ये आटा नूडल्स यूज किए मैंने मैगी के, जो कि हेल्दी है, उसमें थोड़ी सी हेल्दी है उसमें से मुकाबले में मैदे वाले से।
इसमें एग जो हमने डाला है निकाला था पहले से, इसको मिला देंगे। जैसे कुछ लोग एग को वेज मानते हैं तो वो लोग ये खा सकते हैं आराम से। और एग वैसे भी टेस्ट बढ़ाता है चीज का और सॉफ्टनेस लाता है चीज में। ये हमारी बन गई है एग आटा नूडल। अब इसी में रहने देते हैं, एक चीज और इसमें हम करते हैं जो आपको वो चीज शायद पसंद आए। हम पानी गर्म करेंगे एक कप। देखिए पानी गर्म हो चुका है, इसको बंद करते हैं और इसमें हम ये डालते हैं। तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं तो इसको थोड़ा सा जैसे कि मैगी तैयार हो चुकी है और ऐसे सर्व करेंगे। जैसे मैंने आपको दूसरा बताया था देखिए, तो जैसे कि मैंने दूसरा तरीका आपको जो बताया था आपको, थोड़ा सा आप इसमें ये डाल सकते हैं ग्रेवी। इससे आपकी मैगी में एक नया टेस्ट आएगा, आप ट्राई करके देखिएगा जरूर। और ये थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी होती है तो आपके मैगी के साथ ही चिपक जाएगी। तो इसे टेस्ट करिए। यम्मी।